बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में अंजलि अपनी सौतेली माँ सुनीता के साथ रहती थी। जब अंजलि 5 वर्ष की थी तब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अंजलि की अच्छी परवरिश के लिए अंजलि के पिता ने सुनीता से दूसरी शादी की, यह सोचकर कि अंजलि को कभी भी ममता की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन बेचारे उन्हें कहा पता था जिसे वह अंजलि की माँ बनाकर इस घर में लेकर आए हैं। असल में वह बहुत ही लालची और बुरे स्वभाव की औरत थी। उसने तो सिर्फ अंजलि के पिता से इसलिए शादी की थी ताकि वह सारी जिंदगी ऐश की काट सके। लेकिन कुछ समय पहले अंजलि के भी पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के जाने के बाद सुनीता ने अंजलि की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। सुनीता अंजलि से घर के काम करवाने के साथ साथ उसे बाहर सब्जी बेचने भी भेजती थी। हमेशा की तरह आज अंजलि सब्जी बेचकर पैसे अपनी सौतेली माँ को देती है। इतने थोड़े पैसे देकर सुनीता आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी अंजलि की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मुझे सच सच बताना, कहीं तू पैसे बचा तो नहीं रही है? कल भी तूने मुझे कम पैसे दिए थे और आज कल से भी ज्यादा कम पैसे दिए हैं। नहीं माँ, मैं एक भी रुपया नहीं बचाती, सारे पैसे मैं आपको ही दे देती हूँ। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। सुबह को घर का सारा काम करने की वजह से और आपके लिए नाश्ता बनाने की वजह से मुझे सब्जी बेचने जाने के लिए देर हो जाती है, और जब तक मैं वहाँ जाती हूँ तो और कोई ताज़ी ताज़ी सब्जी बेचकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए मेरी सब्जियाँ कम बिक रही हैं और पैसे कम मिल रहे हैं, और कोई बात नहीं है माँ। अच्छा, तो महारानी ये कह रही है मेरी वजह से सब्जियाँ कम बिक रही हैं, ये तो तुझे देखना चाहिए ना कि किस तरह घर का काम भी हो जाए और तू सुबह जल्दी सब्जी बेचने भी चली जाए। बस करमजली को मुफ्त में रोटी तोड़नी आती है, ये नहीं कि दोनों काम समय पर किस तरह हो जाए। कल तू सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करेगी और उसके बाद 6 बजे से पहले पहले सब्जी बेचने जाएगी, समझ आ रही है? कल मैं इतने कम पैसे न देख लूं। अब खड़ी होकर रोती ही रहेगी या फिर खाने के लिए भी कुछ बनाएगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बना, मनहूस कामचोर। बेचारी अंजलि रोते हुए किचन में आ जाती है और अपनी सौतेली माँ के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और एक तरफ खड़ी होकर देखती रहती है। जब सुनीता पेट भरकर खाना खा लेती है और उसकी थाली का जो भी बचा कुचा खाना होता है अंजलि उसे अपने रूम में ले जाती है और उस खाने को देखते हुए अपने माँ बाप को याद कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आप दोनों के इस दुनिया से जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। घर का सारा काम करती हूँ, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इस्त्री करना, सफाई करना, खाना बनाना और उसके बाद बाहर सब्जियां बेचना, और ये सब काम करने के बदले मुझे क्या मिलता है? ये बचा कुचा खाना, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। मेरी उम्र की लड़कियां कितना ज्यादा एंजॉय कर रही हैं और एक मैं हूँ कि मेरी जिंदगी में चैन की सांस भी नहीं लिखी, अच्छा खाना भी नहीं लिखा, अच्छे कपड़े भी नहीं लिखे। ऐसा सोचकर अंजलि बहुत ज्यादा रोती है और वह बचा कुचा खाना खाकर सो जाती है। अंजलि सुबह 4 बजे उठती है और घर का सारा काम करती है और उसके बाद अपनी सौतेली माँ के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर सब्जियां बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो, मटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर, कद्दू, हरा धनिया, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। ऐसे आवाज लगाकर अंजलि सुबह सुबह अपनी सब्जी बेच रही थी। अंजलि आज जल्दी आई थी इसलिए उसकी सब्जियां और भी ज्यादा बिक जाती हैं। अंजलि खुश हो जाती है कि आज तो उसकी सौतेली माँ उससे प्यार से बात करेंगी, क्योंकि आज तो और दिन से ज्यादा पैसे मिले हैं। ऐसा सोचकर अंजलि घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में उसकी कुछ पुरानी दोस्त मिलती हैं और वह अंजलि से कहती हैं, अरे यार अंजलि, आज तुम बहुत दिन बाद मिली हो, आजकल कहाँ रहती हो, कहीं नजर ही नहीं आती।
दिव्या, क्या तुम्हें पता नहीं है, जब से इसके पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से इसकी सौतेली माँ ने इसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। इसके ऊपर इतना अत्याचार करती हैं, घर का सारा काम कराती हैं, मारती हैं, पीटती हैं और बेचारी से सब्जियां भी बिकवाती हैं। इसके पास तो सांस लेने का भी समय नहीं है। अंजलि, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करती हैं, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे अंजलि, तू अपनी सौतेली माँ का घर छोड़कर क्यों नहीं आ जाती? अकेले रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं करती? क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? नहीं नहीं, मैं अपनी सौतेली माँ को छोड़कर कभी नहीं आऊंगी। वह जैसी भी है मेरी माँ है। वह मुझ पर अत्याचार करती हैं या मुझे सजा देती हैं, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उन्हें इस तरह से बीच रास्ते पर नहीं छोड़ सकती। तुम देखना, एक दिन उन्हें मेरे ऊपर प्यार जरूर आएगा। वह मुझे बिल्कुल सगी बेटी जैसा प्यार जरूर देंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चल ठीक है, अगर तुझे तेरी सौतेली माँ के अत्याचार से थोड़ा भी टाइम मिल जाए तो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। हम सब दोस्त मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है? तुझे भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आ सकूँ। ऐसा कहकर अंजलि अपने दोस्तों से बाय बोलकर वहां से आने लगती है। आगे चलकर अंजलि को एक शोरूम नजर आता है जिस पर 50% ऑफर चल रहा था। तभी अंजलि सोचती है, अरे आज तो मेरे पास पैसे भी हैं और 2 दिन बाद दिव्या का जन्मदिन है। मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं और ना ही ज्वेलरी है। यह ऑफर तो कभी कभी आते हैं, मुझे अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर अंजलि शोरूम में जाकर अपने लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीदती है और बहुत सुंदर झुमके खरीदती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। अंजलि के हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग देखकर सुनीता अंजलि से कहती है, क्यों री मनहूस, तेरे हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग क्या कर रहे हैं? बेचारी अंजलि खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ को अपनी ड्रेस, झुमके सब कुछ दिखाती है। तभी सुनीता अंजलि के जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, मनहूस करमजलि, तेरे इतने पर निकल कर आ गए कि तू अपने लिए मुझसे बिना इजाजत के इतने सारे शॉपिंग करके लेकर आएगी? ये झुमके मुझे दे, मुझे किटी पार्टी में जाना है, मैं वहाँ पहनकर जाऊंगी और ये ड्रेस भी मैं ही पहनूंगी। तुझे मैं जो पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हूँ, सिर्फ तू वही कपड़े पहनेगी, तेरी वही औकात है। माँ, आपके पास तो कितनी सारी ज्वेलरी है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। माँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त का जन्मदिन है, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही झुमके हैं, कृपया करके ये मुझे दे दीजिए ना, मुझसे मत लीजिए ना माँ। मनहूस, अभी तो सिर्फ तुझसे मैंने ये सब कुछ छीना है, अगर तूने दोबारा से मुझसे पूछे बिना शॉपिंग की तो मैं तेरा कितना बुरा हाल करूंगी, तू सपने में भी नहीं सोच सकती। अब चल हट मेरे रास्ते से, मुझे किटी पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है और जब तक मैं पार्टी से वापस आती हूँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुनीता अंजलि की ड्रेस, झुमके सब छीन लेती है और तैयार होकर किटी पार्टी में चली जाती है और बेचारी अंजलि रोते हुए घर का काम करने लग जाती है। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है, घर में कोई है बेटा? कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। अंजलि तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे घर के अंदर बुलाकर उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है, उसे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। तभी वह बूढ़ी औरत बहुत खुश होकर अंजलि से कहती है, बेटा मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। तुम अपनी सौतेली माँ के पीछे अपने लिए कभी भी अच्छा पकवान बनाकर नहीं खाती, जो वह तुम्हें रूखा सूखा खाने के लिए देती है सिर्फ वही खाती हो, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना अच्छा पकवान बनाया और खिलाया। बेटा मैं तुम्हें जादुई झुमके देना चाहती हूँ, जिनकी मदद से तुम अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बची रहोगी और तुम इन्हें पहनकर कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारी सौतेली माँ को कभी कुछ पता नहीं चलेगा बेटा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बूढ़ी औरत अंजलि को जादुई झुमके देकर वहां से गायब हो जाती है। अब अंजलि जादुई झुमकों की मदद से अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बच रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, दिव्या का जन्मदिन आ जाता है। अंजलि बहुत अच्छे से तैयार होकर दिव्या के जन्मदिन पार्टी में चली जाती है और वहां जाकर बहुत इंजॉय करती है
और उसकी सौतेली माँ को कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंजलि घर की सफाई कर रही थी, तभी सुनीता अंजलि के कान में वह जादुई झुमके देख लेती है और वह अंजलि से कहती है, क्यों करमजलि, तेरे पास इतने ज्यादा महंगे झुमके कहाँ से आए? चलिए झुमके मुझे दे, ये सिर्फ मेरे कान में ही अच्छे लगेंगे, तो जैसे मन हो उसके कान में नहीं। अंजलि अपनी सौतेली माँ को वह जादुई झुमके देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ वह जादुई झुमके छीनकर तुरंत अपने कान में पहन लेती है। तभी उसके कान से खून निकलना शुरू हो जाता है और सुनीता एक ही तरफ जाम हो जाती है। सुनीता हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिल नहीं पाती। मनहूस, मुझे क्या हो गया, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है और ये खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो हिल भी नहीं पा रही, मुझे क्या हो रहा है, तूने मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया? सुनीता ऐसा कह ही रही थी, तभी जादुई झुमकों से आवाज आती है, सुनीता तुझ जैसी लालची और बुरे स्वभाव की औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तूने बेचारी अंजलि के ऊपर बहुत अत्याचार किए है ना, तो तेरी सजा यही है कि तू एक तरफ पुतले की तरह खड़ी रहे और तुझे इसी तरह दर्द होता रहे, तेरी यही सजा है। नहीं नहीं जादुई झुमके, मैं माँ की यह हालत नहीं देख सकती, वह सौतेली है, जैसी भी है मेरी माँ है, इन्होंने मेरे ऊपर चाहे कितने भी अत्याचार क्यों ना किए हों, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी माँ को इतनी बड़ी सजा मिले। अंजलि मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया और तू मुझ जैसे लालची और बुरी औरत को थोड़ी देर भी दर्द में नहीं देख सकती। मेरी प्यारी बच्ची मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं तुझे सगी बेटी जैसा प्यार दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हीरे जैसी बेटी के ऊपर इतना अत्याचार किया। सुनीता के माफी मांगते ही सुनीता पहले की तरह ठीक हो जाती है। अब सुनीता अंजलि को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अंजलि के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई झुमके मिले, जिनकी मदद से उसे सौतेली माँ का सगी माँ जैसा प्यार मिलने लगता है। अब वह अपनी सौतेली माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में सरिता अपने पति किशोर दास के साथ रहती थी। अभी दोनों की नई नई शादी हुई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सरिता माँ बनने वाली थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और सरिता बच्चे को जन्म देते समय ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। किशोर दास अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाता है, उसका नाम गुनगुन रखता है और बहुत रोता है और सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची बिन माँ के कैसे रह सकती है। इसलिए वह कुछ दिन बाद उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक साल बाद उर्मिला भी एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वह रानी रखती है। उर्मिला अपनी बेटी के जन्म के बाद गुनगुन को पूरी तरह से भूल जाती है, जैसे उसकी कोई और भी जिम्मेदारी है, बस रानी से ही प्यार करती और गुनगुन की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती। ऐसे ही एक दिन गुनगुन अपनी सौतेली माँ के पास आती है और कहती है, माँ माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मनहूस, तू पूरे 5 साल की होगी, अभी भी तुझसे खुद खाना लेकर खाया नहीं जाता, जब देखो मेरे पास आ जाती है, माँ ये दे दो माँ वो दे दो, मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या, मैं अपनी बेटी को ना संभालूं, मैं 24 घंटे तेरे ऊपर ही ध्यान रखती रहूं कि मनहूस ने खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया नहीं पिया, चल जा किचन में कुछ पड़ा होगा जाकर खा ले, सारी नींद खराब कर दी। मनहूस तो दूसरी जिंदगी में मनहूस फैलाने के लिए ही बच्ची है, वरना अपनी माँ के साथ तू भी मर चुकी होती। अपनी माँ को तो खा गई, पता नहीं डायन कितने लोगों को खाकर दम लेगी। माँ मैं किचन में देख कर आ गई, कुछ भी नहीं है, दूध आपने रानी को पिला दिया और खाना जो आपने बनाया था वह आपने और पिताजी ने खा लिया। माँ कुछ बना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। जा मनहूस पानी पीकर सो जा, तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझा है, जो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और महारानी को खिलाऊंगी, सुबह नाश्ता बनेगा तो खा लेना, और हाँ अगर नाश्ते के टाइम पर तू समय पर नहीं आई तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा, समझ आ रही है ना, अब जा यहाँ से मनहूस। मम्मी मम्मी मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर करके मंगाइए ना। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया को पिज्जा खाना है, पिज्जा क्या, मैं बर्गर चाउमीन मोमोज ये सब कुछ अभी ऑर्डर करके मंगा देती हूँ, मेरी प्यारी बेटी कुछ खाने का दिल करे और मैं उसके लिए ना मंगाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी बिटिया रानी रुक जा, अभी ऑर्डर करती हूँ।
ऐसा कहकर उर्मिला रानी के लिए पिज्जा, बर्गर, चौमिन, मोमोज यह सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ समय बाद यह सब चीजें आ भी जाती हैं। बेचारी गुनगुन 5 साल की बिन माँ की बच्ची अपनी सौतेली माँ का यह जुल्म सह रही थी। रानी और उर्मिला गुनगुन के सामने पिज्जा, बर्गर यह सब खा रही थी और वह भूखी बस उनका मुँह ताक रही थी और अपने रूम में जाकर पानी पीकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ माँ, क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि जितनी मेरी सौतेली माँ है मेरे लिए जानबूझकर खाना नहीं बनाती ताकि मैं खाना ना खा सकूं, ना ही दूध बचा कर रखती है, सब खत्म कर देती है। 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब उनका दिल चाहता है तब मुझे एक रोटी खाने के लिए देती है। देखिए अपनी बेटी के लिए कैसे पिज्जा, बर्गर यह सब मंगाया और मैं भूखे पानी पीकर अपना गुजारा कर रही हूँ। पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकते, उन्होंने मेरे लिए ही दूसरी शादी की। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा। पिताजी कितनी मुश्किलों से समोसे बेचकर घर का गुजारा करते हैं और माँ उन पैसों को उड़ा देती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था माँ। ऐसा कहकर गुनगुन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर देखते देखते सो जाती है। अगले दिन गुनगुन जल्दी उठती है ताकि उसे नाश्ता मिल सके, लेकिन उर्मिला तो उर्मिला थी, वह जानबूझकर गुनगुन को भूखा रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और हमेशा गुनगुन के साथ ऐसा ही होता। 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे खाने के लिए मिलता। गुनगुन स्कूल जाने के साथ घर के सारे काम भी करती, बर्तन, झाड़ू पोंछा, सफाई, कपड़े धोना, इस्तरी करना, सभी काम। और रानी बस अपने दोस्तों के साथ घूमती, शॉपिंग करती, पार्टी करती। रानी को बस एंजॉय करने का ही पता था। और अब गुनगुन 15 वर्ष की हो चुकी थी और रानी 14 वर्ष की। ऐसे ही एक दिन किशोरदास समोसे बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु। कुछ लोग उसकी डेड बॉडी घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर गुनगुन बहुत ज्यादा रोती है। तभी उर्मिला गुनगुन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस मनहूस, मुझे तो पहले ही पता था तू डायन है, डायन। पता नहीं कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले अपनी माँ को खा गई और अब पिता को। मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, मेरी बेटी से उसका पिता। वह समोसे बेचकर आते थे तो घर का गुजारा चलता था, अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। मनहूस अपनी मनहूसी से तूने यह क्या कर दिया। मम्मी मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? ये नौकरानी है ना, जैसे पिताजी समोसे बेचते थे अब ये बेचेगी और हमारे लिए पैसे कमाएगी। उर्मिला और रानी को पैसों की टेंशन हो रही थी कि अब कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा। और उधर गुनगुन को अपने पिता का खोने का बहुत बड़ा सदमा लगता है, उसका रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद किशोरदास का दाह संस्कार हो जाता है, तभी उर्मिला गुनगुन से कहती है, मनहूस अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं, जो एक जरिया था वह तेरी मनहूसी से हमें छोड़कर चला गया। अपने पिता की तरह तो भी समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाना, उन्हें बेच कर आना। और ये मत सोच लेना समोसे बेचकर आने से तेरी छुट्टी हो जाएगी घर के कामों से, घर के सारे काम भी तो ही करेगी, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, सफाई करना, हमारे लिए नाश्ता बनाना, फिर आकर हमारे लिए खाना भी बनाना, यह सब तू ही करेगी, समझ रही है ना। माँ यह तो गलत है, आपको पता है समोसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। रात भर जगकर समोसे बनाऊंगी, सुबह फिर उन्हें बेच कर आऊंगी और फिर घर के इतने सारे काम, आपके लिए नाश्ता, खाना, यह सब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अभी 15 साल की ही तो हूँ और इन सब में मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इस समय मुझे स्कूल जाने का तो समय मिलेगा ही नहीं। तो किसने कहा है कि तू स्कूल जाएगी? आज से तेरा स्कूल जाना बंद। स्कूल की फीस, कितने सारे खर्चे होते हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तेरा स्कूल जाना बंद। कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगी? चुपचाप हमारे लिए समोसे बेच, पैसे कमा और घर के काम कर, यही तेरी औकात है। बेचारी गुनगुन क्या कर सकती थी, उसे अपनी सौतेली माँ की बात माननी पड़ती है। अब गुनगुन रात भर जाकर समोसे बनाने की तैयारी करती और सुबह उन्हें बेचने जाती और समोसे बेचकर आने के बाद जो पैसे मिलते अपनी सौतेली माँ को दे देती और फिर उसके बाद घर के सारे काम करती, अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई करती। और इन सबके बीच गुनगुन की पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है। ऐसे ही एक दिन गुनगुन समोसे बेच रही थी, तभी उसके 6 से 7 बच्चे आते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, बिल्कुल गरीब। तभी वह गुनगुन से कहते हैं,
दीदी दीदी, आपके समोसे में से तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पेट के चूहे और ज्यादा दौड़ रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यह समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। एक बार खाकर तो देखो, और ज्यादा महंगे भी नहीं हैं, सिर्फ 5 रुपए का एक। बताओ तुम सबके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? दीदी, हम जैसे अनाथ और गरीब बच्चों की किस्मत में समोसे खाना खरीदना कहाँ लिखा है। हम तो सिर्फ महके सूंघ सकते हैं और कुछ नहीं। आपको पता है, हमने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, तभी तो पेट में इतनी ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं, समोसों की महक सूंघकर अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। मासूम बच्चों का यह जवाब सुनकर गुनगुन की आंखें भर आती हैं और वह तभी सभी बच्चों के लिए दो दो समोसों की एक एक प्लेट बनाती है और उनसे कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हें महक सूंघने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें खाकर टेस्ट भी कर सकते हो और तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह लो और पेट भरकर समोसे खाओ। मुझे पता है तुम्हें फ्री में समोसे खिलाने की मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरी सौतेली माँ मेरी बहुत पिटाई करेंगी, हो सकता है कि वह मुझे घर से भी बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। यह लो, इन्हें खा लो। दीदी दीदी, आप कितनी अच्छी हो, काश दुनिया में सब लोग आप जैसे हो। हम जैसे गरीब और अनाथ कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमें समय समय पर खाना मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समोसे देने के लिए। गुनगुन बच्चों को समोसे खाते देख बहुत खुश होती है और जो समोसे बेचकर कमाई होती है वह जाकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी गुनगुन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और कहती है, मनहूस, आज तो तू सारे समोसे बेच कर आई है, लेकिन फिर भी इतने कम पैसे, पूरे 20 समोसों के पैसे कम है। बता वह पैसे कहाँ है? मुझसे पैसे बचा कर रखेगी, मुझसे झूठ बोलेगी। जल्दी मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी मुझे पैसे देती है या नहीं? माँ, आपको पता है आज मेरी दुकान पर गरीब बच्चे आए थे और उनके पास समोसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई, बस इसलिए उन्हें फ्री में समोसे खिला दिए। माँ, भूखे बच्चों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। मम्मी देखो तो, इस नौकरानी को कैसे पुण्य कमाने की पड़ी है। आपका तो इसने सारा नुकसान ही कर दिया। हमारी खुशियों से जलती है ये नौकरानी। हाँ बेटा, कह तो बिल्कुल सही रही है। यह मनहूस हमारी खुशियों से जलती है, लेकिन इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आज रात तू घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी, और 5 दिन तक तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। हमारे लिए खाना बना और घर से बाहर निकल जा। बेचारी गुनगुन खाना बनाती है और घर से बाहर निकल जाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी गुनगुन बारिश में भीगती रहती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। तभी उसके पास एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वह गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तुम्हारी सौतेली माता सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। मैं हमेशा परी लोग से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ और उन लोगों को ढूंढती हूँ जिनका दिल साफ हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैंने देखा किस तरह तुमने उन गरीब बच्चों की मदद की। तुम यह जानती थी कि इस मदद की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन गुनगुन, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह लो जादुई पर्स, इसके अंदर तुम जब भी हाथ डालोगी तुम्हारा हाथ खाली नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और इस जादुई पर्स के पैसे कभी खत्म भी नहीं होंगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई पर्स देने के लिए। लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मैं इतनी जालिम औरत के घर और नहीं रह सकती। अब मैं जादुई पर्स की मदद से अपने लिए एक घर लूंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी जो मेरी सौतेली माँ ने छुड़वा दी है। परी गुनगुन को जादुई पर्स देकर अदृश्य हो जाती है। सुबह होने के बाद गुनगुन अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसकी मदद से वह अपना एक घर खरीदती है और अपना स्कूल में एडमिशन भी करा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और रानी दोनों गुनगुन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, रानी बेटा, लगता है इस बार हमने जो उस मनहूस को सजा दी हमारे लिए महंगी पड़ गई। मुझे लगा था सर छुपाने के लिए मनहूस के पास घर नहीं है तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमारा अत्याचार सहती रहेगी, लेकिन वह तो घर छोड़कर चली गई। अब समोसे कौन बेचेगा, कौन पैसे कमाएगा, हमारे लिए कौन काम करेगा? हम तो दुविधा में फंस गए बेटा।
हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने वाली मशीन हाथ से निकल गई। अब हमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे और पैसे भी खुद ही कमाने पड़ेंगे। हमने उस मनहूस को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अब हमारा क्या होगा मम्मी? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत अफसोस करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ गुनगुन जाजी पर्स की मदद से गरीब अनाथ और परेशान लोगों की बहुत मदद कर रही थी और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उर्मिला और रानी को गुनगुन नजर आती है। वह कार में बैठकर कहीं जा रही थी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आँख खुली की खुली रह जाती है। रानी बेटा, देख तो यह मनहूस कितनी बड़ी गाड़ी में जा रही है। इसका मतलब इस गांव में आकर बस गई। पता लगाना होगा इस मनहूस के पास इतना सब कुछ कहां से आया। असल में गुनगुन उदयपुर गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगी थी, ताकि वह अपनी सौतेली माँ के साए से बहुत दूर रहे। लेकिन उर्मिला और रानी को गुनगुन के घर का पता चल जाता है और उन्हें जादुई पर्स के बारे में भी पता चल जाता है। और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई पर्स चुराकर घर आ जाती हैं। मम्मी, हमारे तो मजे आ गए। इस जादुई पर्स के अंदर जब भी हाथ डालेंगे तो पैसों की बरसात होती रहेगी। अब तो हमारे पास धन दौलत ही धन दौलत होगी और वह मनहूस दोबारा से गरीब हो जाएगी। हम ऐश करेंगे मजे ही मजे। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। और जैसे ही उर्मिला जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसके अंदर से पैसे तो नहीं बल्कि सांप निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह उर्मिला और रानी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और गुनगुन जादुई पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में सौतेली माँ और सौतेली बहन का दूर दूर तक साया भी नहीं था।